जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोपाजी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हमने पीएनबी में एफडी की है और हमें प्री मिच्योर विड्रॉल करना है तो हम कैसे जो है वो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब मान लीजिए आपने एक साल की जो है वो एफडी करवाई थी, अब 6 महीने के बाद जो है वो आपको इन पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ गई है और आपको ये एफडी जो है वो अभी तुड़वानी है तो हम इसे सिंपली बोलेंगे प्री मैच्योर एफडी विड्रॉल। तो आप जो है वो प्री मैच्योर एफडी विड्रॉल कर सकते हो, बट इसके अंदर सिंपली एक कंडीशन है, आपको जो ब्याज दर पर आपने जो एफडी की थी उसके अंतर्गत आपको 1% की यहाँ पे पेनल्टी जो है वो पे करनी होगी। मतलब कि अगर आपने 7% पे एफडी की थी तो यहाँ पे आपको 1% जो है वो एफडी पे आपको पेनल्टी जो है वो लगने वाली है। अब चलिए हम देखते हैं कैसे जो है वो हम पीएनबी वन की ऐप से जो है वो प्री मैच्योर एफडी विड्रॉल जो है वो कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पहले पीएनबी वन की ऐप जो है वो ओपन कर लेनी है। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे जो है वो लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको अभी पूछ रहा है प्लीज एंटर 4-डिजिट एमपिन, तो यहाँ पे आपको अपना एमपिन जो है वो दर्ज कर देना है। सो मैंने अभी यहाँ पे अपना एमपिन जो है वो दर्ज कर दिया है। अब इसके बाद सिंपली आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पे आपको अपना सेविंग अकाउंट की डिटेल्स जो है वो शो होगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट अकाउंट, तो यहाँ पे आपने जितनी भी एफडी की है वो सभी एफडी की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। अब सिंपली हम पहला जो है वो डिपॉजिट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरी अभी एक ही एफडी है जो कि 1,00,000 रुपये की एफडी थी। अब सिंपली एफडी की और डिटेल्स जानने के लिए हम सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने जो एफडी की थी वो 7% के इंटरेस्ट रेट पर की थी और मेरी एफडी के मेच्योरिटी की अभी जो डेट रिमेनिंग है वो 371 दिन बाकी है मेच्योरिटी पे, बट मुझे जो है वो अभी इन पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई और अभी मुझे जो है ये एफडी जो है वो तुड़वानी है, मतलब प्री मेच्योर विड्रॉल करना है। तो सिंपली मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप कैसे ये प्री मेच्योर विड्रॉल जो है वो कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपको फिर से बैक बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ओपन एफडी और आरडी, तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं। इन सभी ऑप्शन में यहाँ पे एक सेंटर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्री मैच्योर एफडी क्लोजर, हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पहले अपना एफडी अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम जो है वो शो हो जाएगा, तो सिंपली आपको क्रॉस चेक कर लेना है। इसके बाद ये जो एफडी का अमाउंट है ये आपको कौन से सेविंग अकाउंट में क्रेडिट करना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से मैं अपना सेविंग अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद नीचे सिंपली हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2-3 सेकेंड का वेट कर लेना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे सामने अभी जो है वो समरी जो है वो ओपन हो चुकी है, जहाँ पे टॉप में लिखा हुआ है प्री मैच्योर क्लोजर एफडी क्लोजर, एफडी का यहाँ पे मुझे अकाउंट नंबर जो है वो शो हो रहा है। इसके बाद नीचे आप जिसके नाम पे आपकी एफडी है वो आपको शो हो जाएगी। इसके बाद जो भी आपने रकम की एफडी की थी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद ओरिजिनल मैच्योरिटी कब आपकी मैच्योर डेट थी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। नीचे ओरिजिनल मैच्योर अमाउंट, तो आपके मैच्योरिटी पे आपको कितना अमाउंट मिलने वाला था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और आपका क्या इंटरेस्ट रेट पे एफडी जो है वो हुई थी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे 7% जो है वो शो हो रहा था। अब आप हालांकि अभी प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हो एफडी की, तो उसकी कंडीशन जो है वो नीचे दी गई है। जैसे कि आपको अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको अमाउंट जो है वो आपको इतना पे किया जाएगा जो कि 1,03,732 रुपये मेरे को अभी दिखा रहे हैं। ऐसे ही नीचे जो है वो कौन से अकाउंट में आपका एफडी का जो आप क्लोजिंग करते हो, तो कौन से सेविंग अकाउंट में आपकी एफडी की अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और
आपको अभी जो है वो इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है क्लोजिंग के टाइम पे प्री मेच्योर के, वो आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बैंक की ओर से मिल जाएगा। मतलब अगर आप मेरी मेच्योरिटी पे देखो तो मुझे 7% मिल रहा था, हालांकि अभी मुझे प्री मेच्योर विड्रॉल करना है तो मुझे प्री मेच्योर पे यहाँ पे 5.5% जो है वो मिल रहा है। मतलब मेरा इंटरेस्ट रेट जो है उस पर पेनल्टी जो है वो लगी हुई है। अब सिंपली हम ओके करने के लिए नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप क्लिक करोगे अभी आपको यहाँ पे टीम पिन पूछ रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे टी पिन जो है वो दर्ज कर देना है। टी पिन दर्ज करने के बाद सिंपली आपके मोबाइल नंबर पे जो है वो भी ओटीपी आएगा, तो सेम ओटीपी यहाँ पे आपको जो है वो दर्ज कर देना है। तो हम 2-3 सेकंड का यहाँ पे वेट कर लेंगे। अब मेरे मोबाइल पे यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, तो सिंपली हम ये जो ओटीपी है वो यहाँ पे दर्ज कर देंगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद सिंपली आपको नीचे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे तो अभी आपको यहाँ पे 2-3 सेकंड का वेट करना होगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा अभी सक्सेस पेज जो है वो ओपन हो चुका है, जहाँ पे लिखा हुआ है FD अकाउंट हैज बीन क्लोज सक्सेसफुली एंड फंड्स क्रेडिटेड टू द सिलेक्टेड बैंक अकाउंट। मतलब मेरा FD जो है वो अभी क्लोज हो चुकी है और मेरा जो बैलेंस है वो मेरे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है। अब चलिए देखते हैं मेरे सेविंग अकाउंट में वो बैलेंस जो है वो क्रेडिट हुआ है कि नहीं। तो सिंपली आपको होम पे आ जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेविंग्स अकाउंट, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर अभी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना सेविंग अकाउंट जो है वो शो हो जाएगा। अब सिंपली हमें इसके ऊपर फिर से एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो मेरी फर्स्ट अमाउंट जो है वो रीपेमेंट क्रेडिट अमाउंट, तो मेरी यहाँ पे FD का अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो चुका है, जो कि 1,02,843 रुपये मुझे यहाँ पे जो है वो प्री मेच्योर विड्रॉल पे मिले हुए हैं। सो कुछ इस प्रकार जो है वो आप अपनी FD को प्री मेच्योर विड्रॉल जो है वो कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।